राजेंद्र प्रताप देशमुख, गांव बारसी, तालुका बारसी, जिला सोलापुर। अभी वो पहले हम अंगूर की खेती करते थे, 10-15 साल से हमारे पास अंगूर की खेती है, मगर उसमें जो हमारा हर साल में जो प्रॉब्लम है वो पानी कम होने से अंगूर की खेती फैल जाना, कोई रोग राई आए तो हमारा सब क्रॉप भी फैल जाता है, बरसात ज़्यादा हुई तो भी फैल जाता है, पानी कम भी रहा तो भी फैल जाता है। उसमें हर साल हमको टेंशन ही था। ये जो है वो ड्रैगन फ्रूट हमने लगाया है। ये लगाने का मतलब ऐसा है कि कौन से भी हवामान में, यानी कि ज़्यादा पानी रहा तो भी ये आ सकता है, और जितना पानी कम रहेगा, कितना भी अकाल पड़ गया तो भी ये फल आ सकता है। इसको अगर 35 डिग्री टेम्परेचर, 35 डिग्री टेम्परेचर से आगे तापमान गया तो इसको पानी बिल्कुल देना नहीं है। कम पानी में अच्छी फसल होती है। एक एकड़ में इसके 400 ऐसे प्लांट बैठते हैं, यानी कि जो खिड़की बोलते हैं अपन स्टैंड, तो 400 स्टैंड बैठते हैं, और एक स्टैंड में कम से कम 4 पेड़ लगाना पड़ता है, तो 1600 प्लांट एक एकड़ में होते हैं। और ये जो स्टैंड बना है ऐसे एक एकड़ में 400 प्लांट बैठते हैं, तो उसमें 2 साल के बाद हर एक स्टैंड में कम से कम 10 किलो से 30 किलो तक फल निकलता है। और ये फल का जो एवरेज रेट अभी आज का है 2017 में 100 रुपये किलो से हमको एवरेज रेट मिला है इसमें। तो कम पानी, कम मजदूरी, कम खाद और कम फवारे, इसमें बहुत कम लगता है, और ये कम लगने से बहुत सी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी होती है और अपना खर्चा भी कम होता है। तो पंतप्रधान जो उन्होंने जो बोला है कि किसान का उत्पन्न दुगना होना चाहिए, तो हमने दुगना किया, इसमें 3-4 पट उत्पादन हो सकता है और कुछ किसान खुशहाल हो सकता है। प्लांट बना तो है, इसमें हमारी बहुत तरक्की हो गई है, और इसमें एक पेड़ में कम से कम 10 किलो से 30 किलो तक माल निकलता है। और ये जो ड्रैगन फ्रूट लगाया है इसका उम्र कम से कम 20 साल है, तो अपनी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आप सब खुशहाल हो गए। तो जो पंतप्रधान का, जो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो पूरा हो सकता है और किसान खुशहाल हो सकता है। नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र सोलापुर के श्री देशमुख जी, राजा भाऊ देशमुख जी बारसी के जो है वो नवाचारी किसान है, वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने का सोचते हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी में भी लास्ट 3 ईयर से वो काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में है, और उन्होंने नवाचारी किसान की हैसियत से ये ड्रैगन फ्रूट्स लगाया है, और जो उनका जो आमदनी है प्रति एकड़ वो 4 लाख तक उन्हें बढ़ा दी है। जहाँ तक उनका पहले क्रॉप का सवाल था, वो खर्चा ज़्यादा था, पानी ज़्यादा लगता था, मेहनत ज़्यादा था, लेबर ज़्यादा था, और इसीलिए उनका खर्चा बढ़ता था, और वो कम खर्चे में कम पानी में उन्होंने जो नया एक नवाचार खोजा है वो ड्रैगन फ्रूट्स है, और ड्रैगन फ्रूट्स के वो क्रॉप लेके वो 4 लाख प्रति एकड़ इतना अपना जो आमदनी है वो बढ़ाया है। और मैं हमारा जो देशमुख जी का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।